लोकसभा संविधान को नहीं घमासान वितर्क आरंभ करी कांग्रेस को आईना देखाइले राजनाथ कहिले जेउ माने करिछंति बारंबार संविधान रे संशोधन से माने आज संविधान रक्षा कथा उठाई करुछंति रोदन नेहरू को ठारु राजीव को जाए संविधान रो दुरुपयोग रो देले प्रमाण प्रथम थर पाई वितर्क रे भाग नहीं संसद रे प्रियंका देले भाषण शनिवार संविधान प्रसंग रे लोकसभा को प्रधानमंत्री करिवे संबोधन संविधान देश में कार्यकारी होवार 75 वर्ष पूरण होई अवसर में लोकसभा आरंभ होई संविधान को नहीं वितर्क एथिरे सरकार पक्षर ओपनिंग करिथिले प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहिथिले संविधान को नहीं आम बंचीछु एवं संविधान रक्षा पाई कष्ट भी सहीछु एथिसो किपरि राजनैतिक स्वार्थ साधन पाई संविधान बारंबार कर संशोधन तार उदाहरण दे कांग्रेस को घेरिथिले राजनाथ नेहरू का शासन काल में 17 थर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्रीत्व समय 28 थर और राजीव गांधी सरकार अमल में 10 थर कर संविधान संशोधन आ समस्त संशोधन पचर थिला राजनैतिक उद्देश्य एवं से ही कांग्रेस संविधान रक्षा पाई रोदन करुवा कही आटाक करते राजनाथ एथस जरूरी कालीन परिस्थिति बेले किपर देशर संविधान को पंगु कर दि जाइला ए प्रसंग उठाई विरोधी मुखा खोली प्रतिरक्षा मंत्री अध्यक्ष महोदय आज मैं देखता हूँ कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है, उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे दे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। विरोधी पक्षर ओपनिंग करने को छिड़ा हुई वायनाडु नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका वाड्रा यह संसद में प्रथम भाषण देश में भय सृष्टि कही सरकार को करते टार्गेट एथस मणिपुर हिंसा और जाति जनगणना प्रसंग में भी सरकार को निशाना करते प्रियंका के साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है। इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव निज भाषण में जाति जनगणना सपक्ष में करते उकिलाती मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं और दूसरी तरफ देश की संपूर्ण संपत्ति के 2/3 हिस्से पर कुछ परिवारों का कब्जा है, अगर सरकार में ये बहादुरी और हिम्मत है तो इस 60% गरीबी के रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। शनिवार भी लोकसभा जारी रही संविधान ऊपर चर्चा शेष में निज भाषण रखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आसंता 16-17 तारीख में राज्यसभा संविधान ऊपर हो वितर्क वितर्क शेषर भी संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री विरोधी प्रति आक्षेप पीएम कौन रखे जवाब एवं समस्त रही नजर ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।